Hello everyone, welcome to Global Online University. Myself Nihal. I hope you all are doing good. So today is our 24th lecture on current affairs series, in which we will be discussing the most important questions on higher education and employment. Okay. Before starting the session, very important announcement for you. Global Online University is providing mock test series for your paper 1 preparation. जिसमें कि आपको 60 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट भी रहने वाले हैं। 2011 से लेके 2020 तक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट रहेंगे, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब हर एक टेस्ट जब आप सबमिट करोगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस मॉक टेस्ट के अलावा आपको फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स है। बहुत ही कम टाइम में, 2 या 3 दिन में आप पूरे नोट्स पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपको फ्री टाइम मिलेगा, तब आप ये वीडियोस देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 999 रुपीज में। सो जल्दी से जाइए, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करिए। प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप सर्च बॉक्स में ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंस्टॉल करिए, उसके बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। राइट साइड में आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, दैट इज यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर, और उसके बाद आप 2 फ्री टेस्ट, उसके साथ 2 वीडियोज फ्री और 2 फ्री नोट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से जाइए और ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद क्रोशिया इन व्हिच फील्ड रिसेंटली। ओके, सो फ्रॉम 1992 वी कैन से द डिप्लोमेटिक और बायलेटरल रिलेशनशिप्स विद क्रोशिया, ठीक है। इंडियाज रिलेशनशिप विद क्रोशिया इज वेल फ्रॉम 1992, ओके। So, but recently India has entered into the agreement with Croatia in the medicines. It is called Indian traditional medicines. Okay. So it is not sports, it is not digital education, not defense. But right answer is Indian traditional medicines. ठीक है, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा या फिर मेडिसिन जिसे कहते हैं, उस फील्ड में क्रोशिया के साथ इंडिया ने हाल ही में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। ओके, Union Ministry of Ayush, Government of India has entered into agreement with Government of Croatia for research and development in Indian traditional medicine system. Okay, MOU जो है वो साइन हुआ है All India Institute of Ayurveda के साथ on India behalf. Croatia has proposed to include Indian Ayurveda and Yoga along with its tourism packages. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड है ये एग्रीमेंट में, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ ये एमओयू जो है वो साइन हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। और इसमें क्या है, इंक्लूड्स इंडियन आयुर्वेदा एंड योगा अलोंग विद इट्स टूरिज्म पैकेजेस। ओके, किसने लॉन्च किया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च नहीं एक्चुअली इंटर किया था इस एग्रीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये जो स्कीम है किसने लॉन्च किया था या फिर किस स्टेट ने लॉन्च किया था, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। सो इसका राइट आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश ने ये 2 स्कीम्स जो है वो लॉन्च की थी, जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ठीक है। आत्मनिर्भर कृषि योजना ये एक एग्री सेक्टर स्कीम है और आत्मनिर्भर बागवानी योजना ये हॉर्टिकल्चर स्कीम है, ठीक है, ये याद रखना। गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ टोटल सम ऑफ 120 करोड़ फॉर दिस 2 स्कीम्स एंड 60 करोड़ फॉर ईच ऑफ द स्कीम्स। मतलब ये जो 2 स्कीम्स है, हर एक स्कीम के लिए 60 करोड़ एंड 60 करोड़ रुपीज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलोकेट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ट्रेनर्स हैव बीन प्रेजेंटेड विद कौशलाचार्य अवार्ड 2021 फॉर देयर एक्सेम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द स्किल इकोसिस्टम, है ना। 2021 का जो कौशलाचार्य अवार्ड है, उसमें कितने ट्रेनर्स को ये अवार्ड दिया गया था फॉर देयर एक्सेम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द स्किल इकोसिस्टम, 40, 51, 41 या फिर 44,
तो 41 ट्रेनर्स जो थे उनको ये अवार्ड दिया गया था फॉर देयर एक्सेम्पलरी स्किल इकोसिस्टम। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, हैज वर्चुअली प्रेजेंटेड द कौशलाचार्य अवार्ड 2021 टू 41 क्वालिफाइड ट्रेनर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर एक्सेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्किल इकोसिस्टम। ये स्किल इकोसिस्टम क्या होता है? स्किल इकोसिस्टम में कुछ पॉइंट्स मेजर किए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस सेटिंग्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क, या फिर लेबर्स को एंगेज करना, उसका मूड क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें फोकस की जाती है, वो होता है स्किल इकोसिस्टम। तो इस चीज में, इस फैक्टर में, इस फील्ड में 41 क्वालिफाइड ट्रेनर्स को ये अवार्ड दिया गया था बाय धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, 41 ट्रेनर्स आर फ्रॉम वेरियस इनिशिएटिव्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ स्किल इंडिया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी उसे शॉर्ट में कहा जाता है। उसके बाद है अप्रेंटाइसशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड जन शिक्षण संस्थान एंड एंटरप्रेनरशिप, ये सारी जो इनिशिएटिव्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, इसके अंडर ये ट्रेनर्स को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी टॉप्ड द इमर्जिंग इकोसिस्टम कैटेगरी इन द रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टार्टअप हब्स, है ना। तो इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है इंटरनेशनली इन द इमर्जिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप हब्स, है ना। स्टार्टअप हब्स को एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, कौन सा इकोसिस्टम, जिसमें कि हाई पोटेंशियल रहना चाहिए ग्लोबल परफॉर्मर इन फ्यूचर, उसके बाद फंडिंग, परफॉर्मेंस, मार्केट रिसर्च, टैलेंट, ये सारी चीजें जिस इकोसिस्टम में होती है वहां पे एक अच्छा इकोसिस्टम होता है फॉर स्टार्टअप हब्स, है ना। तो इंडिया की एक सिटी है जिसने टॉप किया है इंटरनेशनली, वो कौन सी सिटी है? न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर कोचीन। सो इट इज मुंबई सिटी। ओके, मुंबई मेंटेन इट्स फर्स्ट पोजिशन इन इमर्जिंग इकोसिस्टम कैटेगरी इन द रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टार्टअप हब्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। द रैंकिंग आर कंपाइल्ड बाय द स्टार्टअप जिनोम, ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट रिवील करता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021। ओके, ये जो रैंकिंग है वो इस रिपोर्ट से दी जाती है, इस रिपोर्ट से रिलीज की जाती है। लंदन का सेकेंड रैंक आया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसके साथ टाइड है न्यूयॉर्क सिटी फॉर द सेकेंड ईयर इन द रो। बैंगलोर का रैंक है 23rd एंड न्यू दिल्ली का रैंक है 36, है ना। दिस रिपोर्ट रिवील्ड दैट लंदन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन टू सेट अप अ टेक स्टार्टअप आउटसाइड ऑफ सिलिकॉन वैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्री स्कूलिंग किड्स, NDAR, सफल विद्या प्रवेश, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। सो NDAR जो है वो है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जिसे प्राइम मिनिस्टर जी ने फरवरी 2021 में लॉन्च किया था, अनाउंस किया था, टू बूस्ट द डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, दूसरा है सफल, सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, है ना। ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट है फॉर द ग्रेड्स 3, 5 एंड 8, जिसे CBSE ने अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ये एक ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को टू डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेट द क्रेडिट्स दे अर्न ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और विद्या प्रवेश इसका राइट आंसर है, जो प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल किड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे लॉन्च किया था इन 2020 जुलाई 29 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। विद्या प्रवेश इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्री स्कूल किड्स, बेसिकली फॉर ग्रेड 1। ओके, अंडर दिस इनिशिएटिव 3 months प्ले मॉड्यूल विल बी सेट अप फॉर द चिल्ड्रन टू प्रिपेयर देम फॉर स्कूल। इट विल आल्सो इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज एट द सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सो ये था अपना विद्या प्रवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन माई गोव, मतलब माई गवर्नमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव कम टूगेदर टू ज्वाइंटली लॉन्च द अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021। ए ग्लोबल फंड फॉर वुमेन, बी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, सी वुमेन फॉर वुमेन इंटरनेशनल एंड डी यूएन वुमेन, है ना।
तो इसका राइट आंसर है यूएन विमेन। ऑन द ओकेजन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, माय गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूएन वुमेन हैव कम टुगेदर टू जॉइंटली लॉन्च द अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021। ठीक है, 2021 का ये जो अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन इनोवेशन चैलेंज जो है, इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया था बाय हु, बाय द माय गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूएन वुमेन। ओके, किस चीज के लिए किया गया था? टू इनकरेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप्ड बाय वुमेन एंटरप्रेनर्स दैट फैसिलिटेट्स वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, है ना। वुमेन एंटरप्रेनर्स ने जो भी टेक्नोलॉजिकल इनकरेजमेंट किया है या फिर सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं जिसमें कि वुमेन की सेफ्टी या फिर एम्पावरमेंट फैसिलिटेट होती है, वो चीज को प्रमोट करने के लिए, वो चीज को इनकरेज करने के लिए ये न्यू चैलेंज जो है, न्यू इनिशिएटिव जो है वो लिया था, है ना। द एम इज टू एम्पावर वुमेन टू हेल्प देम अचीव देयर फुल पोटेंशियल, देन द विनर्स विल बी अवार्डेड 5 लाख रुपीज ईच। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड कोविड 19 प्रोग्राम। फर्स्ट श्री शक्ति चैलेंज वॉज हेल्ड इन 2020 में जो ये श्री शक्ति चैलेंज हुआ था उसमें मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड प्रोग्राम, कोविड 19 प्रोग्राम है ना, इसने ये इंप्लीमेंट किया था 2020 का। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ऊर्जा एंड एआई एनेबल्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स, है ना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऊर्जा ये जो लॉन्च किया है जो कि एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। सो ऊर्जा ये जो लॉन्च किया है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है विथ एआई एनपीएल कैपेबिलिटीज एंड ट्रेन्ड ऑन मोर देन 600 यूज केसेस। ओके, इसे इस तरह से ट्रेन किया है, इस तरह से बनाया गया है कि ये मोर देन 600 केसेस भी सॉल्व कर सकता है, है ना। ये जो एफर्ट है टू मेक बीपीसीएल कस्टमर इंटरफेस कंप्लीट एंड डिजिटली इंटीग्रेटेड, ऊर्जा द कैबोट इज नाउ अवेलेबल ऑन द कंपनीज वेबसाइट फॉर एनी क्वेश्चन। ऊर्जा जो है ये 13 लैंग्वेजेस बोल सकता है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस है, 13 लैंग्वेजेस है टोटल, है ना। मतलब जो भी क्वायरीज रहते हैं कस्टमर्स के, है ना, उसे वर्चुअली असिस्ट करेगा ये ऊर्जा, है ना, जो कि बीपीसीएल के वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड यूडाइस प्लस फॉर 2019 एंड 20। यूडाइस प्लस एक लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये यूडाइस जो है वो एजुकेशन रिलेटेड है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। यूडाइस प्लस का मतलब है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट, ठीक है। उसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया था फॉर 2019 एंड 20, ठीक है। यूडाइस प्लस क्या करता है, ये जो रिपोर्ट है कुछ स्कूल्स के, इंडियन स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं उसे हाईलाइट करता है, ठीक है। यूडाइस प्लस ये अपग्रेडेड वर्जन है यूडाइस का जो कि इनिशिएटेड किया गया था 2012 एंड 13 में, है ना, जिसमें कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को कवर किया जाता है जो कि लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का, है ना। इसमें 1.5 मिलियन स्कूल्स, उसके बाद 9.6 मिलियन टीचर्स एंड 264 मिलियन चिल्ड्रंस कवर होते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट। इन बेसिकली वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे, यही पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो वो बिहार में पाया जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स
wildlife sanctuary is located in India-Nepal border in Bihar on the bank river Gandak. Okay, it is the only national park in the state of Bihar. मतलब ये एक ही national park है बिहार state में, इसका नाम है वाल्मीकि national park, है ना? ये tiger reserve and wildlife sanctuary भी है. The authorities of Bihar's Valmiki Tiger Reserve (BTR) have identified 150 vultures in different ranges or the protected area. है ना, 150 से ज्यादा वल्चर्स के प्रकार जो है वहां पे देखे गए हैं. प्रपोज्ड प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इज सेंट टू द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. ओके, विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग एक जो कोर्स है वो डिसकंटिन्यूड होने वाला है, मतलब बंद किया जाएगा. ठीक है, वो कौन सा कोर्स है? एम कॉम, एम एड, एम फिल या फिर एम बी ए? तो वो है एम फिल. ठीक है, एम फिल कोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, ये कोर्स बंद किया जाएगा आने वाले दिनों में. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम फिल कोर्स जो है वो डिसकंटिन्यूड किया जाएगा, है ना, और संस्कृत को मेन स्ट्रीम किया जाएगा. इट इज द टाइम दैट संस्कृत विल बी मेन स्ट्रीम्ड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग इन स्कूल्स एंड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला विल बी अडॉप्टेड इन हायर एजुकेशन. ओके, संस्कृत को मेन स्ट्रीम किया जाएगा और स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, है ना. उसी के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करके 5+3+3+4 फॉर्मेट जो है वो लाया गया है. ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट है. अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देयर विल बी अ सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विच विल बी हेल्ड बाय एनटीए. ओके, हर एक हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट में एक एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम रहेगा जो कि एनटीए उसे कंडक्ट करेगी, बट दिस एंट्रेंस एग्जाम विल बी ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी. ओके, तो ये था क्वेश्चन का आंसर जिसमें कि हमने पढ़ा कि एमफिल जो है उसे डिसकंटिन्यूड किया जा रहा है, संस्कृत लैंग्वेज जो है उसे मेनस्ट्रीम किया जाएगा और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाएगा. उसी के साथ इसका फॉर्मेट जो है एजुकेशन पॉलिसी का वो रहेगा 5+3+3+4, है ना, और एडमिशन के लिए हर एक इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम रहेगा विच इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल. ओके, Before ending the session, very important announcement for you. If you want to crack the examination, whether it is NET or SET, join our courses and crack the examination in very first attempt. Global Online University providing you very relevant mock test, notes, and as well as video lectures. Okay, in just ₹999. If you want to join these courses, download Global Online University application or you can contact the on these numbers which is given below. Okay, hurry up and join the course and crack your examination in very first attempt.